आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे और मैं हूँ भास्कर सर। आप सबके सामने आज मेडिकल के कुछ बेसिक नॉलेज पे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस में हैं या मेडिकल की क्लास अटेंड कर रहे हैं, और ये जो वीडियो है आज की GNM और फार्मासिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है वो आपको जानना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं, शरीर का जो टेम्परेचर है या पल्स रेट है, हार्ट बीट है या ब्लड प्रेशर है या चेस्ट स्कैन है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं आप सबके सामने आज इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आया हूँ और एक एक पॉइंट का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पे डिस्कशन आज होना है। तो पहला पॉइंट जो है शरीर में ब्लड प्रेशर, दूसरा पॉइंट ऑक्सीजन लेवल है, तीसरा पल्स रेट, चौथा शरीर का तापमान और पाँचवा पॉइंट है HRCT या चेस्ट CT स्कैन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें पहले डिस्कशन किया जाएगा कि शरीर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेट क्या होता है, कैसे कंट्रोल होता है, कैसे बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शरीर का जो ब्लड प्रेशर है मेजर किससे किया जाता है। तो शरीर का ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। और शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसमें दो स्केल दिए होते हैं। तो एक जो स्केल है, जैसे जो मॉडरेट जो स्केल है उसमें 120/80 मेंशन होता है, तो ये जो स्केल है ये मॉडरेट होता है, मीडियम स्केल होता है, इसी के थ्रू सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं, इसी के थ्रू ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो 120/80 जो है इसमें 120 डायस्टोल है और 80 जो है सिस्टोल है। तो दो चीज़ें हैं, डायस्टोल और सिस्टोल, 120 डायस्टोल और 80 सिस्टोल है। तो अगर 120 और 80 स्फिग्मोमैनोमीटर पे अगर दिखाता है तो माना जाता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। उसी तरह से अगर 130/85 शो करता है तो इसमें भी माना जाता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कंट्रोल है। अगर 140/90 अगर शो कर रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है, थोड़ा बढ़ा हुआ माना जाता है। अगर 150/95 दिखा रहा है उसमें तो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो इन दोनों कंडीशन में 140/90 और 150/95 में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जो भी डॉक्टर द्वारा जो दवा बताई जा रही है उसको लेना चाहिए। दूसरी बात कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के ही दो टाइप हैं। एक तो ट्रेडिशनली है जो आप सबने देखा होगा, दोनों में क्या किया जाता है कि शोल्डर लॉक किया जाता है, जो आपका बाइसेप है उस पर लॉक लगा दिया जाता है, उसको कस करके बांध दिया जाता है और फिर एयर पंप किया जाता है। उसके बाद से फिर स्फिग्मोमैनोमीटर का जो ग्लास है जिसमें डिस्प्ले है उसमें पारे का जो हाइट है उसको देख करके पता किया जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है। उसी तरह से अगर देखें तो डिजिटल जो स्फिग्मोमैनोमीटर है उसमें भी इसी तरह शो करता है, लेकिन उसमें सिंपली कि पारे को देख करके ब्लड प्रेशर नहीं नापा जाता है, उसमें उसी तरह से ऑटोमेटिकली बता देता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो ट्रेडिशनली जो स्फिग्मोमैनोमीटर है जिसमें डिस्प्ले है और पारे के हेल्प से ब्लड प्रेशर मापा जाता है उसी को आप यूज करें पेशेंट की अगर ब्लड प्रेशर आपको चेक करनी है। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए आपको ऑक्सीमीटर की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीमीटर में 94 शो करता है तो ये मान लेते हैं कि ऑक्सीजन लेवल सामान्य है, इसमें किसी भी तरह की इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 95/100 अगर है तो माना जाता है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर 90/93 है तो माना जाता है कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है। अगर 80/83 है तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो डॉक्टर की सलाह लेकर के ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह पर पेशेंट को एडमिट कर लेना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है पल्स रेट। पल्स रेट अगर 72 पर मिनट है तो इसको स्टैंडर्ड माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर 60/80 पर मिनट है तो इसको नॉर्मल माना जाता है, मतलब इसको मीडियम भी कह सकते हैं। 90/120 है पर मिनट तो माना जाता है कि पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है 4 नंबर, शरीर का तापमान।
तो शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए दो तरह के थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा, एक तो ट्रेडिशनली है जो मरकरी थर्मामीटर है, और एक जो है थर्मामीटर वो डिजिटल है। तो मरकरी थर्मामीटर में भी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, लेकिन इस समय ज़्यादा डिजिटल थर्मामीटर ही चल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो डिजिटल थर्मामीटर में फारेनहाइट स्केल ही शो करता है, और जो ट्रेडिशनल थर्मामीटर है उसमें भी टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में शो करता है, लेकिन सबसे अच्छा जो है इस समय ज़्यादा यूज हो रहा है डिजिटल थर्मामीटर, जिससे कोई भी टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कितने होते हैं। 92 से अगर 98.6 फारेनहाइट अगर थर्मामीटर में शो कर रहा है तो माना जाता है बुखार नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का। अगर 99 फारेनहाइट है तो थोड़ा बुखार हो गया माना जाता है। 100 डिग्री से 102 डिग्री है तो माना जाता है ज़्यादा बुखार है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है HRCT या चेस्ट सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं, अगर HRCT या चेस्ट सीटी स्कैन किया जाता है तो उसमें कैसे आपको पता चलता है इन्फेक्शन कितना है, कैसे हुआ है? तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि HRCT में जो स्कैन करने के बाद से जो रिजल्ट देखा जाता है वो स्कोरिंग के आधार पर देखा जाता है। HRCT स्कोर के बेस्ड पर ही देखा जाता है कि इन्फेक्शन कितना हुआ है। अगर HRCT स्कोर अगर आपको देखना है तो अगर HRCT स्कोर 0 से 8 है तो माना जाता है कि माइल्ड इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन जो चेस्ट में इन्फेक्शन वो माइल्ड है। उसी तरह से HRCT पे अगर स्कोर 9 टू 18 शो कर रहा है तो माना जाता है कि मॉडरेट इन्फेक्शन है। अगर HRCT स्कोर अगर 19 टू 25 अगर दिखा रहा है, 19 से 25 अगर दिखा रहा है तो माना जाता है कि सेवर इन्फेक्शन है। इस स्थिति में माइल्ड इन्फेक्शन अगर हुआ है तो नॉर्मल दवा से ठीक हो सकता है पेशेंट जो भी है, अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो नॉर्मल दवा से पेशेंट ठीक हो जाएगा। वही अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो इसके लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है और पेशेंट को एडमिट करना होता है। तो जो भी चीज़ें मेडिकल के जो भी बेसिक नॉलेज है मैंने आपके सामने रख दिया, आप इस पर डिस्कशन कीजिए, इस पर एक नोट्स तैयार कीजिए और इसको अच्छे से रिविज़न कीजिए। आशा करता हूँ कि जो भी बेसिक नॉलेज मैंने आप सबको दिया है आप इसको पाकर के संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।